हेलो फ्रेंड्स मैं हूं स्नेहा वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड द चाइल्ड मैंने पिछले कई वीडियो में आपसे क्लास फाइव एडमिशन टेस्ट के लिए इंग्लिश मैथ्स और हिंदी का सैंपल टेस्ट पेपर शेयर किया हुआ है इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूं क्लास फाइव एडमिशन टेस्ट के लिए साइंस का एक सैंपल टेस्ट पेपर कई स्कूलों में साइंस सब्जेक्ट को ईवीएस के रूप में पढ़ाया जाता है तो अगर आप क्लास फोर में पढ़ रहे हैं और किसी नए स्कूल में क्लास फाइव में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये वर्कशीट आपके प्रैक्टिस में बहुत मदद करेगा तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ये टेस्ट पेपर है ट्वेंटी मार्क्स का हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर वन है फिल इन दी ब्लैंक्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डैश पेड़ों को भारी मात्रा में काटना क्या कहलाता है शरीर को बढ़ने में में और उसकी मरम्मत करने में कौन सी चीज हेल्प करती है आंसर प्रोटीन द मैक्सिम नंबर ऑफ टीथ इन एन एडल्ट इज एक वयस्क को अधिकतम कितने दांत होते हैं आंसर थर्टी टू डैश इज अ डाइजेस्टिव जूस दैट इज रिलीज इन टू द माउथ मुंह के अंदर कौन सा डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है आंसर सलाइवा द डैश हेल्प द प्लांट टू एब्सोर्व सनलाइट पौधों को सूर्य की किरण ऑब्जर्व करने के लिए क्या मदद करता है आंसर क्लोरोफिल क्वेश्चन नंबर टू चूज द करेक्ट आंसर सही जवाब को चुने स्नेक्स आर कार्निवोर्स हर्बीवोर्स ओमनिवर्स आंसर कार्निवर्स स्नेक कार्निवर्स है यानी वो केवल फ्लैश खाता है द गैस दैट प्लांट्स ऑब्जर्व फ्रॉम सॉइल इज ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा गैस पौधा मिट्टी से ऑब्जर्व करता है आंसर नाइट्रोजन आवर शैडो इज शॉर्टेस्ट एट नून मॉर्निंग नाइट इवनिंग हमारी परछाई सबसे छोटी कब बनती है दोपहर में सुबह में रात को शाम को आंसर नून दोपहर को किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास कैपेसिटी आंसर मास वेन यू थ्रो समथिंग अप इट फेल्स डाउन ड्यू टू फ्रिक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स क्वेश्चन नंबर थ्री स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और वॉटर प्लांट्स डू नॉट है क्या ये स्टेटमेंट सही है कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड फॉर बर्निंग किसी भी चीज को जलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है आंसर फॉल्स ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एयर इज कलरलेस हवा का कोई रंग नहीं है आंसर ट्रू बल्ब इज अचुरल सोर्स ऑफ लाइट आंसर फॉल्स बल्ब एक ऑफ लाइट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता है क्वेश्चन नंबर फोर नेम द फॉलोइंग द प्रोसेस बाई विच वॉटर वेपर चेंजेस इन टू वो प्रक्रिया जिससे पानी का भाप वापस पानी में बदल जाता है आंसर कंडन पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर कैमल स्टोर वाटर ऊँट के शरीर का वो हिस्सा जहाँ पर वो पानी जमा करके रखता है आंसर हम्प्स प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर नोन एज वो पौधे जो पानी के अंदर खिलते हैं उसे क्या कहते हैं आंसर एक्वेटिक प्लांट्स विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द प्लांट पौधे के किस हिस्से को उसका रसोई घर कहा जाता है आंसर लीफ क्योंकि जो हरे पत्ते होते हैं उसी के द्वारा पूरे पौधे के लिए खाना बनाया जाता है स्टेट वन ऑफ द वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण को रोकने का एक तरीका बताएं। आंसर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज पेड़ लगाकर हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज द वॉटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल वाई क्या हम समुद्र के पानी को पी सकते हैं और क्यों? आंसर नो सी वॉटर इज नॉट ड्रिंकेबल ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन इट समुद्र के पानी को हम नहीं पी सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है डिफरेंशियट बिटवीन फैमिली एंड अ न्यूक्लियर फैमिली ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के अंतर बताइए डिफरेंस बिटवीन अटमिली एंड न्यूक्लियर फैमिलीज आर ज्वाइंट फैमिली इंक्लूड्स ग्रांड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स चिल्ड्रेन अंकल आंट एंड कजन न्यूक्लियर फैमिली इट इंक्लूड्स Only parents and their children. Joint family, grandfather is the head of the family. Nuclear family, father is the head of the family. Give two examples for water transport, air transport, land transport. Answer Water transport, kili ham example de sakte hai. ship, boats, air transport, aeroplane, helicopter, land transport, bus, car. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पृथ्वी के रोटेशन और रिवोल्यूशन के वजह से क्या होता है रोटेशन जब पृथ्वी अपने एक्सिस यानी अपनी धूड़ी पर गोल गोल घूमती है और रिवोल्यूशन जब पृथ्वी सूर्य का पूरा एक गोल चक्कर लगा लेती है ये रोटेशन मूवमेंट के वजह से दिन और रात होती है और रिवोल्यूशन के वजह से मौसम बदलते हैं राइट फोर स्टेप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग के लाइफ साइकिल को आपको सीक्वेंस में बताना है द फोर स्टेप्स ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग इज एग टैटपोल फ्रॉगलेट एंड एडल्ट फ्रॉग सबसे पहले अंडा फिर टेटफोल फ्रॉगलेट फिर एडल्ट फ्रॉग। ड्रॉ लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई इन फोर स्टेप्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से आप ड्रॉइंग बनाएंगे और बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल है उसका फर्स्ट स्टेज है एग उसके बाद कैटरपिलर जिसे लार्वा भी कहते हैं फिर प्यूपा जिसे क्रैसेलिस भी कहते हैं और अंत में बटरफ्लाई क्लास फाइव एडमिशन टेस्ट के मेरे इंग्लिश मैथ्स और हिंदी के भी सैंपल टेस्ट पेपर को आप जरूर देखें आपके एडमिशन टेस्ट में ये बहुत मदद करेगा और अगर आप ये सारे वर्कशीट का पीडीएफ मुझसे खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो